आज का अपडेट बहुत, इसको मैं बड़ा अपडेट मान रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट का सेटअप किया जा चुका है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। और ये कारनामा किया है नन अदर देन जापान। जापान के टोक्यो में इसको प्लांट को स्टार्ट किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट। इतना बड़ा कि वहाँ से डेली इतनी प्रोडक्शन रहेगी कि 560 जो फ्यूल सेल जो स्टेशंस रहेंगे उनको डेली फिल किया जा सकता है, 560 560 स्टेशंस को। इस अपडेट के साथ एक और अपडेट रहेगा, एक्चुअली दो अपडेट रहेंगे। दूसरा अपडेट रहेगा कि जो जापान टोक्यो में इसी साल जो ओलंपिक्स ड्यू है उसमें कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स हों या हाइड्रोजन से बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी, उसको इस ओलंपिक्स में इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे अपडेट। शुरू करते हैं पहले जो प्लांट है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, और इसको बिल्कुल बनाया भी वहीं पर है जहां पर इनका जो सुनामी आई थी 2011 में, जो इनका न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया था फुकुशिमा, उसके बिल्कुल नजदीक इस प्लांट को बनाया गया है। क्योंकि आस्ते आस्ते उन्होंने जो बिल्कुल जो तबाही देखी प्लांट की, न्यूक्लियर प्लांट की, तो उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने दरकिनार कर लिया है अपने आप को। इन न्यूक्लियर प्लांट से काफी आलोचना हुई है, तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, स्पेशली सोलर और वाइंड एनर्जी, और साथ में हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, चाहे उससे गाड़ियां चलती हों, चाहे इससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, जापान बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों। आप इस पर भी बात करेंगे बिल्कुल सेकेंड अपडेट में, इस पर भी बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि इस प्लांट से तकरीबन इतनी हाइड्रोजन बनाई जाएगी कि 560 फ्यूल सेल स्टेशन को डेली फिल किया जा सके। और इस प्लांट के उद्घाटन पर जो प्राइम मिनिस्टर है जापान के, मिस्टर शिंजो हबे, वो भी प्रेजेंट थे। और इसको तोशिबा टोहोकू इलेक्ट्रिक पावर और न्यूक्लियर गैस कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर में इस प्लांट को सेटअप किया गया है। और सबसे बड़ी बात, सोने पे सुहागा, हम सब जानते हैं कि इसको इस प्रोड्यूस करने में हाइड्रोजन को काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बिल्कुल दोस्तों लगती है, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को भी प्योरली रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिप्लेस किया गया है। और तकरीबन 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इस प्लांट के इस प्लांट के साथ डेवलप किया गया है, ताकि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी रिन्यूएबल हो। ये होता है सोने पर सुहागा, इस बात को कहते हैं। और टोटल 190 मिलियन यूएस डॉलर्स प्लांट को सेटअप करने पर खर्चा आया है। इस फैसिलिटी में जो हाइड्रोजन को वाटर से ही बनाया जाएगा, डिकम्पोजिंग किया जाएगा वाटर को। और वैसे इनका एक और काफ़ी ज्वाइंट वेंचर, एक बड़ा सेटअप इन ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किया गया है। क्योंकि अगर हम कोल में हाइड्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, तो अगर कोल से आप हाइड्रोजन बनाते हो तो वो ज़्यादा बनती है बजाय के वाटर के। तो इस प्लांट पर वाटर को डिकम्पोज करके बनाया गया है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सेटअप है वहाँ से कोल के साथ वहीं पर ही ऑस्ट्रेलिया में ही उसको बनाया जाएगा, और वहाँ से शिप्स में, टैंकर्स में, बड़े बड़े शिप्स में, लिक्विड फॉर्म में उसको जापान में शिफ्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और इवन यहाँ भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रक्स के थ्रू लिक्विड फॉर्म में इस हाइड्रोजन को किया जाएगा। अब चलते हैं टोक्यो ओलंपिक्स की तरफ से, जो इसी साल 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक ड्यू है। बिल्कुल जितने भी व्हीकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो फ्यूल सेल ही होंगे, स्पेशली जो टोयोटा की मिराई है फ्यूल सेल व्हीकल, उसको इस ओलंपिक्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन या जो भी रहेगा। इसके अलावा जो ओलंपिक विलेज है वहां पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो सभी इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन से ही बनाई जाएगी। दोस्तों सिर्फ जापान ही नहीं, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन चाइना भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पर। वो मानते हैं, ये सभी कंट्रीज मानती है कि फ्यूचर इज हाइड्रोजन, स्पेशली जापान और साउथ कोरिया। तो शुरू से इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आप देख रहे होंगे कि इनकी कंपनी ज़्यादा आगे नहीं आ रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। रीज़न यही है कि वो मानते हैं कि इस सेगमेंट में चाइना उनसे बहुत आगे निकल चुका है, उसकी डोमिनेंस है, स्पेशली लिथियम बैटरीज, लिथियम माइनिंग को लेकर। तो वो ऐसे किसी टेक्नोलॉजी में डेवलप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहां पर उनको फ्यूचर में मोनोपोली जैसा कोई देखने को मिल सके। जबकि इन जापानीज कंपनीज ने शुरू में जब लिथियम बैटरीज बनी थी मोनोपोली की थी, मिलकर इन्होंने प्राइस फिक्सिंग की थी। ऑलरेडी यूएस कोर्ट में उससे रिलेटेड केस भी सोल्व हुआ है, तो कई जापानीज और कोरियन कंपनीज को काफ़ी बड़ा जुर्माना भी लगाया गया है। बट स्टिल ये नहीं चाहती कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हम चाइना के साथ, वो जानते हैं कि नहीं उसको कम्पीट कर पाएंगे। तो बिल्कुल टोटली हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर ये कंपनीज, ये कंट्रीज, स्पेशली साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं भी मानता हूँ कि बिल्कुल सेम केस इंडिया के साथ है, हमारे पास लिथियम नहीं है, थोड़ा सा मिला है बट वो ज़्यादा इतना नहीं है, माइनिंग हमने कहीं स्टार्ट नहीं किया, कोई हमारा ज्वाइंट वेंचर अभी तक फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा है कोई इंडियन कंपनीज ने। सारा हम, अगर हम चाइना पर डिपेंडेंट रहेंगे या किसी और भी अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो जो अफोर्डेबिलिटी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, वो उसको आने में बहुत बहुत टाइम लगने वाला है।
इसलिए मैं भी मानता हूं कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी ही ज़्यादा इंडिया को सूट करेगी। बाकी गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग है, जैसा वो सोचते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे उस चीज़ में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियोस अच्छी लगी है तो आपका क्या कहना है, आप इस कमेंट जरूर बताइए कि इंडिया के लिए क्या ठीक रहेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।